नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, अगर आप BNU से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं BN मंडल यूनिवर्सिटी से, तो आप कैसे निकालने का क्या प्रोसेस है, तो वही प्रोसेस बताएंगे। ऑनलाइन क्या प्रोसेस है निकालने का, ऑफलाइन क्या प्रोसेस है निकालने का, क्योंकि बहुत से छात्र छात्राओं के पास ऐसा समय आ जाता है कि एक दिन में निकालने के लिए मजबूर हो जाता है और माइग्रेशन उनको निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालिएगा एक दिन के अंदर, वो प्रोसेस बताएंगे। इमरजेंसी में क्या है, जनरल में क्या है, वो सारी जानकारी हम बताएंगे। तो आप सभी को माइग्रेशन कैसे निकालना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा माइग्रेशन निकालने में, क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस आप सभी को माइग्रेशन निकालने का हम इस वीडियो में बताएंगे। बताने से पहले जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप सभी को BN मंडल यूनिवर्सिटी संबंधित हो, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी संबंधित हो या सरकारी जॉब से संबंधित जानकारी सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए क्या प्रोसेस है हम शुरू करते हैं, और सारी आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही समझ पाइएगा। आप सभी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक दिन में मिल जाएगा आप सभी को इस प्रोसेस से। को माइग्रेशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप BNU से चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद ही आप सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सबसे पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए जिस कॉलेज में आपका नामांकन है, जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किया है, उस कॉलेज जाइएगा और बोलिएगा हमें माइग्रेशन निकालना है। तो आप सभी को इस टाइप का कोई फॉर्म देगा, आप सभी दे सकते हैं प्रयोजन प्रमाण पत्र हेतु, तो आप सभी को ये फॉर्म देगा। इस फॉर्म को अपना भर लीजिएगा। देखिए आवेदक का नाम, आवेदक का देवनागरी लिपि यानी हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, और उसके बाद आपके पिता का नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, पत्राचार का पता लिख देना है, और मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा वो भर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स है इस पर वैसे हम भर के भी आप सभी को दिखाएंगे कैसे कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। ये फॉर्म देगा आप सभी को भर के, उसके बाद आप सभी को यूनिवर्सिटी जाना है। इस पर भर के कॉलेज में ही आपको यहाँ पे नीचे आप सभी देख सकते हैं आवेदक का हस्ताक्षर या प्रधानाचार्य विभाग का हस्ताक्षर या मोहर। तो ये सारी प्रोसेस आपका कॉलेज में ही होगा, यहाँ पर सब साइन तैन हो जाएगा। नीचे का आप सभी को छोड़ देना है चालान संख्या, या आप सभी को यूनिवर्सिटी में जाकर चालान कटवाना होगा। उसके बाद जो है जैसे ये भर के जाइएगा, वहाँ पे दो तरह का चालान करता है, एक जनरल करता है, एक इमरजेंसी करता है। आपको जब ज़रूरी है एक दिन के अंदर, तो आप सभी को इमरजेंसी के लिए चालान कटाना पड़ेगा। इमरजेंसी का चालान ऐसे ही 500 के अंदर ही आता है, 400 450 के करीब आता है, और उससे जनरल चालान 250 समथिंग आता है। तो आप सभी को जिस टाइप का जरूरी होगा, जनरल में आप सभी को टाइम लगेगा, और इमरजेंसी में आप सभी को एक दिन के अंदर ही आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म लेके जाइएगा भर के, तो इसके साथ आप सभी को पार्ट थर्ड का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन का वाणिज्यिक प्रति जो होगा वो लेके जाना है। और आप सभी किस कारण से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं उसके लिए कोई प्रूफ लेके जाना होगा, उसके बाद ही आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से। तो जैसे ही ये फॉर्म भर के जाइएगा, तो ये फॉर्म कैसे भरना है वो भी आप सभी को हम स्टेप बाय आप सभी देख सकते हैं। हम भरे हैं, भर चुके हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखे थे हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ आवेदक के पिता का नाम यहाँ भरे थे हिंदी में, यहाँ अपना पता जो भी होगा, ग्राम पोस्ट थाना जो भी वो भर दीजिएगा, यहाँ मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, यहाँ अस्थाई पता भी सेम है, पत्राचार के पता तो दूर कर देना है वैसे, यहाँ पे अपना रोल नंबर, पंजीयन संख्या डालना है, यहाँ वर्ष डालना है पंजीयन वर्ष, उसके बाद महाविद्यालय का नाम जो भी होगा, उसके बाद यहाँ वर्ग कौन सा BA BSc जो भी हो, यहाँ पर क्रमांक, रोल नंबर, यहाँ पर सत्र डाल दीजिएगा इस टाइप से। उसके बाद जो है नीचे आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ महाविद्यालय का प्रत्याग प्रमाण पत्र संख्या जो भी होगा वो आप सभी को यहाँ पे डाल देना, CLC वाला डिटेल्स, और उसके बाद रोल नंबर, फिर कॉलेज का संस्था का नाम यहाँ आप सभी दे सकते हैं। ये BSS कॉलेज से हम किए थे, तो यहाँ पे BSS कॉलेज का साइन मोहर हो गया, प्रधान सचिव जो भी है सहायक का वो साइन करवा के, इसके बाद ये फॉर्म लेके और सारा डॉक्यूमेंट जो बताइए, पार्ट थर्ड का डिटेल्स ले लीजिएगा, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, पार्ट वन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वाणिज्यिक प्रति ले लीजिएगा उसका, उसके बाद और किस कारण से आप ये निकालना जा माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए जा रहा है प्रयोजन प्रमाण पत्र, उसके लिए कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अलाउ करेगा। तो जैसे ही ये लेके जाइएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद जो है आपको चालान भरवाना पड़ेगा। चालान वहाँ पे ऑनलाइन करता है, ऑनलाइन जमा होता है, चालान फॉर्म लीजिएगा और भर के, वही बैंक है, बैंक में जाकर अपना चालान कटवा के रसीद दे देगा आपको, फिर आप सारा डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर काउंटर पर जमा कर दीजिएगा। फिर आपका जो है समय, यानी आप अगर 10 बजे के आसपास चल जाते हैं और 11-12 बजे के अंदर आपका चालान जमा हो जाता है सारा डॉक्यूमेंट्स, तो आपको 4-5 बजे तक में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर जमा नहीं होता उससे पहले तो एक दिन आपको लग जाएगा, दूसरा दिन आपको देगा ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट।
तो जैसे ही ये प्रोसेस आपका सारा पूरा हो जाएगा, वैसे काउंटर पे जाइएगा, वहाँ पे सारा डिटेल्स आप सभी को बता देंगे। वैसे आप सभी को बता दिए, बहुत से छात्र छात्र कॉमेंट कर रहा था सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या प्रोसेस है, कॉलेज भी जाना पड़ेगा, कॉलेज से भी कोई प्रूफ लेना पड़ता है, इसीलिए आप सभी को हम ये वीडियो बना के बता रहे हैं ऑफलाइन इमरजेंसी के लिए। और ऑनलाइन कैसे बनवाना है उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, ऑनलाइन में टाइम लग जाता है क्योंकि। तो जैसे ही जाइएगा ये सारा डिटेल्स भर के, तो आपका जो है जमा कीजिएगा, तो 4-5 बजे तक में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे साइन करवा के आपको दे दिया जाएगा। तो इस टाइप का आपको यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप सभी दे सकते हैं। यही ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि यूनिवर्सिटी से दिया जाता है, आप सभी दे सकते हैं। इस टाइप का आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा वहाँ से साइन करके, आप सभी देख सकते हैं। इस टाइप से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जिसमें आपका नाम मेंशन रहेगा, फादर नेम मेंशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा, ईयर मेंशन रहेगा और साइन रहेगा। तो आप सभी देख सकते हैं ये माइग्रेशन कब हम निकाले थे, 6/9/2022 को निकाले थे। तो इस टाइप से आप सभी अपना अपना माइग्रेशन जिनको ज़रूरी है वह निकालने का यही प्रोसेस था, जो कि आप सभी इस टाइप से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल पाइएगा यूनिवर्सिटी से अगर आपको ज़रूरी है। तो यही प्रोसेस आप सभी को बताना था। ऑनलाइन कैसे निकालना है वह आपको अलग से हम वीडियो बना के बता देंगे। ये ऑफलाइन प्रोसेस था इमरजेंसी और जनरल के लिए, कैसे ऑफलाइन जाकर आप सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना था, जो कि आप सभी को फाइनली हम बता दिया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी को इस टाइप से निकालना है। तो सबसे पहले आप सभी का कॉलेज का प्रक्रिया होता है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन था वहाँ से ग्रेजुएशन क्लियर कर लिए थे, ये फॉर्म वहीं से मिलेगा आपको और यहाँ से सारा डिटेल्स भर के साइन मोहर करवा के उसके बाद आप सभी को पाठ्यक्रम का डिटेल्स जो भी मार डॉक्यूमेंट बताए वो लेके यूनिवर्सिटी जाना है। तो यह प्रोसेस था आप सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने का, जो कि फाइनली आप सभी को बता दिया है। और कोई तरह के डाउट या क्वेरी होगा तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यही प्रोसेस था पूरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने का, जो कि फाइनली आप सभी को बता दिया है। तो और कोई तरह की कमेंट होगा तो कोई तरह क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ही तक जय हिंद।